हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में आज के दिन इस वीडियो के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि हाँ सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, मीन्स हड़प्पा काल में जो व्यापार होता था वो कहां से होता था, किन देशों से होता था। तो देखिए, यहाँ ईरान, इराक, रोम और चीन चार नाम दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। तो हड़प्पा काल में, मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जो व्यापार होता था अन्य देशों से, वो खासकर जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहां के, मध्य एशिया के। और आपका मध्य एशिया से जब इनका, पश्चिमी एशिया से और मध्य एशिया से जब इनका संबंध अच्छा रहा था, तो इसका मतलब उन देशों से इनका व्यापारिक संबंध था। और उधर जैसे अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी के कुछ एरिया, और आपके ईरान और इराक, इन नगरों से जो है सिंधु सभ्यता का इन देशों से अच्छा व्यापार होता रहा था। मतलब वहां से बहुत सारी चीजें यहाँ आयात की जाती थी, जैसे टिन है, चांदी है, फिरोजा है और हरितास वगैरह। तो आप देखेंगे ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, ईरान और इराक, ये दो ऑप्शन आपके जो मैंने आपको बताया कि जो हमें प्रमाण मिले हैं कि इन स्थलों से यहाँ माल आया करता था, तो ये स्थल है ईरान और इराक, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। और अभी ऑप्शन नहीं, अभी तो आप ये देखें नंबर वन और नंबर टू। और रोम और चीन की बात करें तो इनका संबंध संगम युग में भारत से ज्यादा था, और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापार का इनसे कोई मतलब नहीं था। तो ज्यादा जो व्यापार हुआ करता था वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन एरिया से हुआ करता था। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, वन टू से व्यापार होता था, या टू और थ्री से, और थ्री फोर से, टू थ्री, थ्री तो है ही नहीं, फोर भी नहीं, और वन फोर, तो ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए मींस वन और टू, ईरान और इराक, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू है, सही जोड़ा बनाइए, शिवाजी का राज्यारोहण, धर्मत का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और तालीकोट का युद्ध, ये चार आपको दी गई हैं घटनाएं, और इनसे संबंधित आगे इनके सम्मुख आपको दिए गए हैं समय। अब कौन सा समय किससे रिलेटेड है ये आपको रिलेट करना है, और उसके बाद में फिर ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से चूज करके आपको सही ऑप्शन को बताना है। तो आप ये अगर याद रखेंगे कि किस समय कौन सा युद्ध हुआ था और किस समय कौन सी घटना घटी थी, तब तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कब कौन सी घटना घटी थी। तो जैसे हम देख रहे हैं, तालीकोट का युद्ध सबसे पहले 1565, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, 1565 नंबर वन जो ऑप्शन है, ये रिलेटेड है किससे, तालीकोट के युद्ध से, 1565। तो आप जरा देखें ऑप्शन नंबर डी का वन कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी का वन यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर ए और डी से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब देखिए बी और सी में ही कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम और आगे बढ़ें जरा। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं, अभी दूसरा जो दिया गया है 1622, फिर 1658 और 1674। तो सबसे पहले जो है आपको 1565 दिया गया, और 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ, और इसके बाद देखते हैं दूसरा जो ऑप्शन है हमारा 1622, तो 1622 में खुसरो का विद्रोह हुआ, खुसरो का विद्रोह 1622 में। तो आप क्या करेंगे, 1622 को खुसरो के विद्रोह से जोड़ेंगे, मींस ऑप्शन नंबर सी का हो गया दूसरा। तो सी में दूसरा जरा देख लीजिए, इसमें मिल रहा है, इसमें सी में नहीं मिला, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी
राइट हो जाना चाहिए। और अब ऑप्शन नंबर बी में और क्या है जरा देख लें। बी मीन्स धर्मत का युद्ध थर्ड से रिलेटेड है, मीन्स धर्मत का युद्ध कब हुआ 1658 में, धर्मत का युद्ध। और इसके बाद है शिवाजी का राज्यारोहण, तो शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ, एक ही बचा है फोर नंबर पर 1674। तो आपने देख लिया इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, और क्वेश्चन नंबर थ्री है जोड़ा बनाइए, सही जोड़ा बनाइए। तो सही जोड़ा आपको बनाना है मजहर की घोषणा, अलाउद्दीन का राज्यारोहण, गयासुद्दीन की मृत्यु, बैरम खां का पतन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये चार क्वेश्चन है अलग अलग, अगर ये आपको याद रहता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखेंगे हम मजहर की जो घोषणा हुई वो 1579 में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का नंबर फोर 1579 मजहर की घोषणा। और इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन का राज्यारोहण जो हुआ वो 1296 में हुआ, अलाउद्दीन का राज्यारोहण 1296 में। गयासुद्दीन की मृत्यु कब हुई 1325 में। और अब इससे रिलेटेड जरा आप देखें, और बैरम खां का पतन कब हुआ 1560 में। तो आप इससे रिलेटेड जरा देखें ऑप्शन कौन सा है, मजहर की घोषणा मीन्स ए का चौथा, तो ए का चौथा हमें दो में मिल रहा है बी और डी में, और इसके बाद बी का पहला, तो ये ऑप्शन नंबर बी, और सी का दूसरा, डी का तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है, डी का जो है तीसरा इसमें हो रहा है, तो ये सही नहीं है। डी मीन्स बैरम खां का पतन 1560 में, तो इसका मतलब डी का थ्री, तो सही तो है, सही है सही है, डी का थ्री और सी का टू बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, सही है, हम भ्रमित हो गए हैं बेकार में, सही है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये जो घटनाएं जो घटी हुई हैं अगर ये आपके दिमाग में है तो आपके लिए फिर ये क्वेश्चन आसान है, और ये याद नहीं है तो फिर आपके लिए कठिन बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, तो कुछ घटनाएं आप याद रखें और उनको एक दूसरे से जोड़कर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है सही जोड़ा बनाइए, वॉरेन हेस्टिंग्स, डंकन, एनी बेसेंट और राजा राम मोहन राय किनसे रिलेटेड रहे हैं, ये आपको संबंध बनाना है इनका। तो देखिए आप इनमें नाम देखें और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ आप याद रखना संभव कैसे होगा इसको जरा आप समझें। पहले तो आप डंकन, जोनाथन डंकन को आप याद कर लें, ये रिलेटेड है संस्कृत कॉलेज से, आप इसको याद करेंगे, ये रिलेटेड किससे है संस्कृत कॉलेज से। अब आपको अगर इस प्रकार से याद रहेगा कि डंकन महोदय जो है संस्कृत कॉलेज से है तो ये एक तो आपको मिल जाएगा। अब जरा देखें कि बी का फोर से रिलेशन किस में दिया गया है, बी का फोर से रिलेशन दिया गया है बी और डी में, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा अब और जरा हम देख लें तो समझ में आएगा। जैसे एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट इनका नाम है, अब एनी बेसेंट जो है क्या है इंग्लिश में नाम है, और एनी बेसेंट के अतिरिक्त अब कलकत्ता मदरसा की बात अगर करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ कलकत्ता मदरसा, और एनी बेसेंट जैसे इंग्लिश नाम है तो इनको इंग्लिश सेंट्रल आपको समझ में आ रहा है, ध्यान दें इनको ऐसे आपको रिलेट करके जब याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब सेंट्रल से आप समझ लें कि इंग्लिश है और एनी बेसेंट भी इंग्लिश ही है, तो आप सी से रिलेट करेंगे किसको टू को, तो इस हिसाब से अब देखें सी का टू से रिलेशन किस में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, और वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा मीन्स ऑप्शन नंबर ए का वन, तो ये डी से रिलेट कर रहा है। और देखें राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज,
से संबंधित है, तो आप डी का ऑप्शन नंबर थ्री। तो ये आपका बिल्कुल सही है, नंबर थ्री देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस देखिए, आपको अगर एक दो याद हैं तो फिर आप जल्दी से आंसर प्राप्त कर लेंगे, और एक भी घटनाएं नहीं याद है तो फिर आपको नहीं आएंगे। तो अगर कुछ घटनाएं आपके मस्तिष्क में है तो आप आसानी से कर लेंगे, खासकर दो घटनाएं अगर आपके दिमाग में मिल गई तो फिर काम बन जाएगा। सही जोड़ा बनाइए, यहां भी देखिए, अकबर, औरंगजेब, फर्रुख सियार और फिरोज शाह, आपको इन्हें याद रखना है। कि देखिए, अकबर के समय में क्या हुआ, दहशाला बंदोबस्त, ये जो है किससे रिलेटेड है, अकबर से। आप इसको ध्यान दें, ए का टू, तो ए का देखेंगे आपको कहीं मिल नहीं रहा, वन मिल रहा, फोर मिल रहा है, इसमें थ्री, ए का टू, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही ये सही हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो गया, अगर एक भी आपको याद है तो। अब जरा देख लें, ऑप्शन नंबर बी अगर हम देख रहे हैं तो ए का तो हो गया टू, और औरंगजेब, औरंगजेब मींस बी, बी को किससे रिलेट करना है, गैर मुस्लिम करों की समाप्ति इन्होंने किया था औरंगजेब ने, तो ऑप्शन नंबर बी थ्री से जो है रिलेट हो जाएगा। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर ने क्या किया, अंग्रेजों को व्यापारिक कर से ये रिलेटेड है, फर्रुख सियर। और फिरोज शाह ने क्या किया, जजिया कर जो है समाप्त किया, तो फिरोज शाह से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर डी का नंबर फोर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहां वक्तव्य मीन्स कथन दिया गया है और कारण दिए गए हैं, और इनसे जो है फिर ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं नीचे। तो पहले आप क्या करें, वक्तव्य को समझें, कथन को समझें, और कथन से फिर आप जो कारण है वो उस कथन की पूर्ति कर रहा है या नहीं, उससे संबंधित है या नहीं, ये आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में नगरीय जीवन के बाद ग्रामीण जीवन का विकास हुआ, क्या ये सही है, ऐसा हम सिंधु घाटी सभ्यता के कारण समझते हैं। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। देखिए, कारण, अगर प्राचीन काल में नगरीय जीवन के बाद ग्रामीण जीवन का विकास हुआ तो इसका कारण क्या, हड़प्पा कालीन संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी, इससे हो सकता है। अब आप समझिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और कितना उसका कारण भी दिया गया है। तो इससे आप क्या करेंगे, अब ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन को जरा देखेंगे क्या है मतलब ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ए मीन्स जो कथन में दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, तो बिल्कुल ये दोनों सही हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में क्या था, नगरीय जीवन था, और उसी से ये संबंधित है कारण। तो प्राचीन काल में नगरीय जीवन और हड़प्पा संस्कृति इधर दी गई, नगरीय संस्कृति थी, बिल्कुल सही थी। तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी जरा देख लें, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऐसा नहीं है, स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, कह रहा है, नहीं प्रस्तुत करते हैं। सीधे देख लें जरा, ए सही है किंतु आर आंशिक सत्य है, नहीं ये भी गलत है, पूर्ण रूप से सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, ए सत्य है किंतु आर नहीं, तो ऐसा नहीं है, दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेवन में हम देखते हैं, यहां भी हमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो कथन की पुष्टि कारण कर रहा है या नहीं, या उसका एक कारण बन रहा है या नहीं, आप ये बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत की विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है अगर चांदी के सिक्के चलाने की, तो ये तो सही है, समझ रहे हैं आपकी क्या है, ये सही है। लेकिन देखिए जरा, आपको क्या दिया गया है, कारण
वहां चांदी के सिक्के पहले से ही प्रचलित थे। बिल्कुल सही है, वहां पहले से ही चांदी के सिक्के चलते थे, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन सिक्कों को जारी रखा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत की विजय के बाद चांदी के सिक्के चलने दिए अर्थात चलाए। तो उसका कारण जो है वहां चांदी के सिक्के चलते थे बिल्कुल सत्य है और ये सही है, तो यहीं पे क्लियर हो गया। अब आप जरा देखें ऑप्शन अपने, ए सही है किंतु आर ए का उचित, आर ए सही है एवं आर ए का उचित कारण है। तो देखिए ए सही भी है और आर जो है उसका सही कारण भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें भी सही है। अब लेकिन आगे भी देख लें जरा, ए सही है किंतु आर ए का कारण नहीं है, सही नहीं है तो फिर गलत है। ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, एक भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां भी वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के अंतर्गत, और कथन में है अशोक ने कलिंग युग से प्रभावित होकर युद्ध को भविष्य में तिलांजलि दी। बिल्कुल सही है, अशोक ने देखा कि लाखों लोग मारे गए और इससे बहुत प्रभावित हुआ, इसको बहुत कष्ट हुआ कि इतना रक्तपात मेरे युद्ध के कारण हुआ, अगर मैं युद्ध न लड़ता तो इतना रक्तपात ना होता, इससे इसका हृदय द्रवित हो गया और इसने भविष्य में युद्ध के लिए तिलांजलि दे दी अर्थात भविष्य में युद्ध न करने का प्रण कर लिया। वह युद्ध से डर गया था, ऐसा नहीं था, वो दयालु था इसलिए ऐसा उसने किया, वो धर्म को अपनाता था और धर्म को अपनाना चाहता था, अब धर्म का प्रचार करना चाहता था, तो वो उसका हृदय द्रवित हो गया था देखकर, दया से भर गया था, ऐसा नहीं है कि वो युद्ध से डर गया था, तो ये कारण जो है गलत है। अब ऑप्शन नंबर ए जरा देख लें क्या है, ए सही है और आर ए का सही कारण है, तो बिल्कुल गलत है ये, ए सही है किंतु आर ए का सही कारण नहीं है, तो ये तो सही है। ए सत्य है आर असत्य है, ऐसा ए सत्य है ये तो सही है और आर असत्य है ये भी सही है, ए और आर दोनों असत्य हैं ऐसा नहीं है तो ये गलत है। अब आपको इसमें चूज करना है बी और सी से, तो देखिए यहां बात है कथन और कारण की, तो सत्य असत्य की बात नहीं, कथन और कारण की, तो आप अब ध्यान देंगे कि कथन और कारण में हम देखें जरा तो हम समझ पाएंगे। देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि जब अशोक जो है, अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता तो इसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जो है बंदी बना लिए गए, बहुत सारे लोग घायल हुए और इतने भारी नरसंहार को देखकर उसका हृदय जो है बदल गया, अब उसने भविष्य में युद्ध ना करने की उसने ठान ली। तो देखेंगे कि मैंने जो आपको अभी समझाया कि ए सही है किंतु आर ए का कारण नहीं है, तो ए तो सही है, बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए का कारण नहीं है, मतलब उसने जो भविष्य में तिलांजलि दे दी युद्ध से डर गया था ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही होना चाहिए। लेकिन अब जरा देख लें इसमें जो सी ऑप्शन है कि ए सत्य है आर असत्य है, तो आर तो असत्य है ही, यहां तो ये भी सही है, तो यहां थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है कि ए सही है किंतु आर ए का कारण सही कारण नहीं है। तो यहां देखिए अब कारण ये है कि जो कारण जो इसका होना था वो दे दिया गया है ऑप्शन नंबर आपके कथन में ही दे दिया गया है, अशोक ने कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर, तो कलिंग युद्ध उसने लड़ा और जीता ये सत्य है, लेकिन प्रभावित होकर युद्ध को भविष्य में तिलांजलि दे दी तो प्रभाव युद्ध से ही पड़ा है ये सही है। तो ऑप्शन जो आप जो देख रहे हैं कारण इस ये कारण तो गलत हो गया, लेकिन कथन में ही उसका कारण भी दे दिया है, तो वहीं पर आपको दोनों चीजें मिल गई हैं और आर जो है असत्य हो गया, तो अब देखा जाए इस हिसाब से तो फिर ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर दोनों सही हैं लेकिन ऑप्शन नंबर सी
सत्य और असत्य के हिसाब से देखा जाए कारण ए में ही दे दिया गया है, तो ये असत्य हो गया है आर, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन अगर कारण देखा जाए कि युद्ध से डर गया था इसलिए उसने तिलांजलि दे दी, तो फिर ये जो है ऑप्शन नंबर बी कि ए सही है, किंतु ए का सही कारण आर जो है, आर जो है ए का सही कारण नहीं है। तो मतलब अब कारण की अगर बात की जाए तो फिर ये सही, लेकिन कारण जब पहले ही दे दिया गया तो इस हिसाब से हम ज्यादा पावरफुल ऑप्शन नंबर सी को मानते हैं। यहां ये भ्रम पैदा कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। यहां भी वक्तव्य है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझने में थोड़ा सा कठिन लगते हैं और होते भी हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है कहीं कहीं पर। तो यहां कथन दिया गया है, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ, ये तो सही है। भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई, भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई। अब जरा देखें ये कारण है और कथन जो है ऊपर है, क्या भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ। तो अब आप ध्यान दें कि क्या है हमारा जो कथन है, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कथन ए और कारण आर दोनों आंशिक सही हैं। तो ये आंशिक सही मींस पूरी तरह से सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ही सही हैं। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ और भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई, द्वैध शासन भी इन्होंने किया बंगाल में। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के बारे में आपने पढ़ा होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने उसमें शासन किया और उसी ने जीता। तो देखिए चलिए देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो बात कही जा रही है कि ए और आर दोनों सही हैं, तो सही तो हैं, बिल्कुल सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई ये दोहरी नीति अपनाई जाने के कारण नहीं हुई, तो सही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन आगे भी देख लें, सी में है, कारण आर सही है किंतु कथन ए नहीं, तो ऐसा नहीं है, दोनों सही हैं। कथन ए सही है किंतु कारण आर नहीं, तो ये दोनों फेल हो गए, ऑप्शन नंबर बी ही राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। देखिए ये जो है कथन है, यहां भी वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के अंतर्गत। कथन है, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया, तो नियम कानून इसी के अंतर्गत बने, ये तो सही हो गया। फिर राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की, ये भी सही है, राजा राम मोहन राय ने इसका प्रस्ताव किया और लॉर्ड विलियम वेंटिक ने क्या किया, इसके लिए कानून बना दिया। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन अब जरा देखें ऑप्शन जो दिए गए हैं क्या हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, और आर ए का स्पष्टीकरण है, तो ये भी सही है, स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की, इन्होंने प्रस्ताव किया, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कानून बनाया, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। लेकिन जरा आगे भी देख लिया जाए कि और सब क्यों नहीं सही है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, तो ऐसा नहीं है, कारण आर सही है किंतु कथन ए नहीं, तो ये भी गलत है, कथन ए और कारण आर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो और भी गलत हो गया। तो सी तो बिल्कुल ही गलत है,
दोनों आंशिक सत्य हैं, तो आंशिक नहीं ये पूरी तरह से सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। आज के क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कथन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया। तो आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया, कारण क्या है उसके पीछे? अंग्रेजों की यह धारणा थी कि उन्हें भूमिपति वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, ये सही है। लेकिन अब जरा देखें, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कथन ए सही है किंतु कारण आर नहीं, तो ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं, किंतु एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, तो ये भाई गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, व्याख्या है। कथन सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं और एक दूसरे से पूर्ण संबंध भी रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब जरा देख लें, अंग्रेजों का जो मामला था वो ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया, क्यों किया था? उसके पीछे था कि अंग्रेजों की यह धारणा थी कि उन्हें भूमिपति वर्ग का सहयोग होगा, मतलब जो जमींदार होंगे वो क्या करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, तो बिल्कुल सही है, यही कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है, और डी में है कथन ए और कारण आर दोनों आंशिक सत्य है, तो आंशिक नहीं ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, वक्तव्य दिए गए हैं कथन के रूप में, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सांप्रदायिक एकता एवं सद्भावना की स्थापना करना, बिल्कुल सही है, भक्ति आंदोलन इसीलिए हुआ था कि एकता बनी रहे और प्रेम बना रहे। कारण आर, सामाजिक विरोध बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल सही है, सामाजिक विरोध बढ़ता जा रहा था, उसी को कम करने के लिए भक्ति आंदोलन का सहारा लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है किंतु आर नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और बी में क्या है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है, विरोध बढ़ता जा रहा था इसलिए धार्मिक आंदोलन सहारा लिया गया। ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, मैडम ब्लावेटकी की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, मैडम ब्लावेटकी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, और कारण क्या है? वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान चाहती थी, यहां गोसाइटी हो गया है, इसको सोसाइटी होना चाहिए, सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान करना चाहती थी, बिल्कुल सही है। तो यहां देखें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्या सही है? ए सही है और आर ए का सही कारण है, बिल्कुल सही है, और इस हिसाब से तो फिर ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो गया। आगे देख लें, ए सही है किंतु आर ए का सही कारण नहीं है, गलत है, और सी में है ए सत्य है आर असत्य है, डी में है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये सब गलत है। 1875 में जो है मैडम एचपी ब्लावेटकी ने क्या किया, इन्होंने जो है एक ये जर्मन रूसी रक्त की महिला थी, अर्थात ये जर्मन की थी,
जर्मन रूसी रक्त की महिला थी और इन्होंने क्या किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी अमेरिका में, और यह आंदोलन हिंदू पुनर्जागरण का एक भाग उसका बना, और इस समाज के अनुयायी ईश्वरी ज्ञान, आध्यात्मिक हर्षोन्माद और अंतर ज्ञान द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। इस सोसाइटी का जो मुख्य कार्यालय था वो मद्रास नगर में एक बस्ती है अडयार, उसमें जो है स्थापित किया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए अक्सर पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, और ऑप्शन दिया जाता है अडयार। तो ये आप ध्यान देंगे कि इसका जो कार्यालय था वो मद्रास के समीप एक बस्ती थी अडयार, और वही अडयार ही ऑप्शन देकर परीक्षा में पूछता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैडम ब्लावेटस्की ने की, और इसका जो कार्यालय था वो कहां था, अडयार में, ये आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया, बिल्कुल किया गया, कमीशन के अधिकार सीमित थे, ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था कि कमीशन में जो है भारतीय लोगों को नहीं रखा गया था, इनके एक भी सदस्य नहीं थे, इसलिए था। तो आप देखेंगे, जरा ऑप्शन इनका देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, ए और आर दोनों सही हैं, तो सही नहीं है, और ये यहीं पे गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, ए का सही कारण है तो ये नहीं है। और दूसरा देखें जरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ए व आर दोनों सही हैं, दोनों सही, किंतु आर ए का उचित कारण नहीं है, तो ये भी गलत है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला देखते हैं सी ऑप्शन, ए सही है आर गलत है, तो ये सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जरा डी भी देख लें, ए सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। और मैंने आपको बताया कि आर जो है इसमें ए सही है आर गलत है, तो आर गलत क्यों है, 1927 में जब साइमन कमीशन नवंबर 1927 में आया, तो इसकी अध्यक्षता में 1919 में जो अधिनियम की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था जिनको, वो सब वही थे, मतलब अंग्रेज ही थे, और इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया था। तो भारतीयों द्वारा इस आयोग का विरोध जो किया गया था वो इसीलिए किया गया कि इसमें प्रतिनिधित्व जो भारतीयों का नहीं था, अर्थात भारतीयों को इसमें नहीं रखा गया था, तो यही कारण था कि जो भारतीयों को नहीं रखा गया था, इस कारण से इसका भारतीय विरोध कर रहे थे। उनका कहना यह था कि इसमें भारतीयों के भी सदस्य होने चाहिए, अर्थात ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों ने, कथन है अंग्रेजों ने भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया, अंग्रेजों ने भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया, और आगे देखें, कारण वे भारत में उद्योग विकसित देखना चाहते थे। तो उनको, वे भारत में उद्योग विकसित कहां देखना चाहते थे, उनको तो भारत से लूट घसोट करना था और अपनी कमाई करनी थी। तो अंग्रेजों ने जो भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया, ये इसलिए नहीं किया कि भारत में बढ़िया उद्योग चले, यहां विकास हो, ऐसे नहीं। तो देखिए जरा ऑप्शन क्या है, ए और आर सही हैं, तथा ए का सही कारण आर है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, सही नहीं है। बी में क्या है, ए और आर सही हैं किंतु ए का सही कारण आर नहीं है, तो सही नहीं है। सी में है, ए सही है किंतु आर असत्य है, यही बिल्कुल सही है कि वे जो है उन्होंने गठन तो किया 1916 में औद्योगिक आयोग का, ये तो सही है, लेकिन इसलिए नहीं किया कि भारत में उद्योग विकसित हो और भारत चमके, इसके लिए उन्होंने नहीं किया, तो आर जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, वेद त्रयी हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वेद त्रयी की बात है, तीन वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन वेद जो हैं आते हैं वेद त्रयी में। तो अब ये तीनों कहां हैं? ऋग्वेद, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं आपको बता रहा हूं। और बी में क्या है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद तो लास्ट का है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद जहां शामिल है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट ऑप्शन है। वेद त्रयी में ये तीन वेद आते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लास्ट का वेद अथर्ववेद है, वो इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता है, तो ऋग्वेद का जो सर्वप्रथम देवता है वो है इंद्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप इसको याद रखेंगे कि ऋग्वेद का जो देवता है, सर्वप्रथम देवता वो है इंद्र। देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक जो प्रतापी देवता माना गया वो इंद्र है, और इन्हें ही पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब किले को तोड़ने वाला, इनको कहा गया है पुरंदर, आज भी कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा गया था, मैंने कह दिया। चलिए, इंद्र जो है वो आर्यों के क्या थे, युद्ध का देवता थे, ऐसा चित्रित किया गया है। और जिनसे असुरों में लड़ने के लिए आर्य के सैनिकों का ये नेतृत्व किया करते थे, ऐसा मानना है जो चित्र मिले हैं उनके आधार पर। तो इंद्र पर 250 सूक्त हैं, तो समझ रहे हैं इंद्र का विशेष महत्व रहा है ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वेद का जो सर्वप्रथम देवता है वो इंद्र है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? आप देखेंगे सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई, तो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल। तो देखिए ऋग्वेद काल में तो राज्याभिषेक की परंपरा आरंभ होने का कहीं कोई हमें उल्लेख नहीं मिला है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हमें मिला है, और प्राचीन भारत में राज्याभिषेक का जो राजनीतिक, धार्मिक और वैधानिक महत्व था वो था, सबसे पहले राज्याभिषेक की जो परंपरा थी वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुई है। शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों में राज्याभिषेक से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण हमें मिलता है। और अभिषेक अनुष्ठान जो था राजसूय के नाम से प्रख्यात था, और राजसूय यज्ञ में क्या होता था, राज्याभिषेक कराया जाता था। राजसूय यज्ञ में राज्याभिषेक, अर्थात राजसूय यज्ञ भी राज्याभिषेक से संबंधित है, और परीक्षा में पूछा जाता है कि राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बनकर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अंग जो था वो रत्नियों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का था। इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत हुई है, और राज्याभिषेक की जो परंपरा आरंभ हुई वो उत्तर वैदिक काल से हुई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर वैदिक काल में भारत सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है। तो भारत सा नहीं, यहां भारत का होना चाहिए, सॉरी क्या है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा, तो भारत नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है, मतलब धन का मामला जहां तक कर देने की बात थी वो आपको चूज करना है। ब्राह्मणों पर कर का भार था, ब्राह्मणों को तो कर से वैसे ही मुक्त कर दिया गया था, केवल वैश्यों पर कर का भार था, तो वैश्य को यह था कि आप कमाते हैं इसलिए आप कर दें, केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, तो केवल की बात जहां है ये केवल क्षत्रियों पर नहीं था, ये गलत है, शूद्रों पर कर का भार था, नहीं केवल वैश्यों पर, उत्तर वैदिक की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है, तो केवल वैश्यों पर कर का भार था उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल में कर का भार जो था वो केवल वैश्यों पर था, ब्राह्मण तथा राजन्य अर्थात क्षत्रिय ये वर्ग जो थे अधिकांशतया राजकीय करों से
मुक्त थे। तो क्षत्रिय और इन पर नहीं था, बल्कि किस पर था? वैश्यों पर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है, लोथल स्थित है। तो लोथल कहां है? तो लोथल कहां है? गुजरात में है। आपको ध्यान रखना है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में। तो ये नहीं है। सिंधु के मुहाने पर, ये भी नहीं है। खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रण में। तो कच्छ और खंभात की खाड़ी, ये दोनों रिलेटेड है कहां? गुजरात से। तो खंभात की खाड़ी अगर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी, तो देखिए या तो गुजरात आपको दिया जाएगा या तो फिर आपको दिया गया खंभात की खाड़ी। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये गुजरात या खंभात की खाड़ी, अगर दो में से कोई एक ऑप्शन दिया तो दोनों नहीं दिए होंगे, कोई एक दिया होगा। तो खंभात की खाड़ी यहां दिया, यहां गुजरात नहीं दिया गया है, तो खंभात की खाड़ी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा संग्रहित किए गए क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छे लगते हैं और मेरे द्वारा पढ़ाए जाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।